हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए भूगोल विषय की पाठ योजना लेकर आई हूं और हमारा आज का प्रकरण है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आइए देखते हैं कि इसके लिए पाठ योजना कैसे तैयार करेंगे। इसके लिए हम सबसे ऊपर लिखेंगे पाठ योजना संख्या, फिर लिखेंगे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, उसके बाद देंगे विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम वो होगा जहाँ पर आप ट्रेनिंग लेंगे बीएड के लिए। उसके बाद हम इस तरह से एक टेबल बनाएंगे जिसके अंतर्गत इन 6 बिंदुओं को लिखा जाएगा। तो जिसमें पहला बिंदु होता है आपका दिनांक का दिनांक, वो दिनांक होगा जिस दिन आप शिक्षण कार्य करेंगे। दूसरा कक्षा, तो ये कक्षा 7 के लिए बना हुआ है। विषय सामाजिक विज्ञान है, उप विषय भूगोल है, चक्र जो है 7वां पीरियड है और अवधि जो है 40 मिनट है। किसी किसी विद्यालय में ये 35 मिनट्स भी हो सकती है, तो आप अपने विद्यालय के फॉर्मेट के अनुसार ही बनाइएगा। उसके बाद प्रकरण आता है, तो प्रकरण है हमारा पृथ्वी की संरचना। प्रकरण के बाद नंबर आता है सामान्य उद्देश्य का, तो सामान्य उद्देश्य जो होता है वो आपके भूगोल विषय से संबंधित होगा। तो जो भी उद्देश्य आप लिखेंगे भूगोल विषय को ध्यान में रखते हुए लिखेंगे। तो इसके अंतर्गत हम 4 से 6 पॉइंट देते हैं, तो मैंने दिया है कि पहला, छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों को भूगोल के द्वारा स्थल संबंधित तथ्यों की जानकारी देना। तीसरा, छात्रों को भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार जीवन जीने का ज्ञान प्रदान करना। चौथा, छात्रों का सामाजिक एवं मानसिक विकास करना। पांचवा, छात्रों को प्राकृतिक सौंदर्य का ज्ञान प्रदान करना। और छठा एंड लास्ट पॉइंट है, छात्रों को सामाजिक विज्ञान की उपयोगिता को बताना। तो इस तरह से हम ये 6 पॉइंट दे देते हैं। उसका नंबर आता है विशिष्ट उद्देश्य का। विशिष्ट उद्देश्य में हम 3 तरह के उद्देश्य की चर्चा करते हैं। तो जिसमें पहला उद्देश्य है वो है ज्ञानात्मक उद्देश्य। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ज्ञानात्मक यानी कि हम बच्चों को ज्ञान देंगे किसी भी प्रकरण के बारे में या उसको जानकारी देंगे। तो इसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि छात्र पृथ्वी और उसकी आंतरिक संरचना के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। और दूसरा पॉइंट देंगे कि छात्र भूपर्पटी, मेंटल तथा क्रोट के बारे में जान सकेंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है वो दूसरा बोधात्मक उद्देश्य का। तो बोधात्मक उद्देश्य यानी कि छात्र जो है अभी तक क्या था, ज्ञान प्राप्त किए थे, अब छात्र जो है समझेंगे उस चीज़ को जो हमने जानकारी दी, उसको हम हमारा प्रयत्न क्या होगा उसको समझाने का। तो इसके अंतर्गत हम लिखेंगे कि छात्र पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझ सकेंगे। और दूसरा पॉइंट देंगे कि छात्र भूपर्पटी तथा मेंटल के महत्व को समझ सकेंगे। उसके बाद नाम तीसरा उद्देश्य है क्रियात्मक उद्देश्य का। क्रियात्मक उद्देश्य में क्रियात्मक, बच्चे खुद क्रिया करेंगे, ये छात्र बेस्ड होगा। तो छात्र क्या करेंगे अपने मन से, कि छात्र पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के विषय में तर्क कर सकेंगे और छात्र भूपर्पटी के महत्व को लोगों को बता सकेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने उद्देश्य दे दिया। उद्देश्य के बाद नंबर आता है सहायक सामग्री का। तो सहायक सामग्री में हम लिखेंगे कि प्रकरण को दर्शाता चार्ट पेपर, संकेतक, रोलर बोर्ड आदि। उसके बाद नंबर आता है पूर्व ज्ञान का। तो पूर्व ज्ञान में हम लिखते हैं कि छात्र प्रकरण से संबंधित तथ्यों की सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद नंबर आता है प्रस्तावना प्रश्न का। प्रस्तावना प्रश्न जो होता है किसी भी पाठ योजना की जान होती है, तो इसलिए हमें पाठ और प्रस्तावना प्रश्न के द्वारा ही हम प्रकरण निकलवाते हैं बच्चों से। तो इसके लिए इस तरह से हम एक फॉर्मेट तैयार करते हैं जिसके अंतर्गत ये 3 कॉलम होते हैं। पहला है क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन और तीसरा है छात्र कथन। तो शिक्षिका पहला प्रश्न करती है बच्चों से कि बच्चों हमें फल, सब्जियां तथा फूल आदि किससे प्राप्त होते हैं। तो बच्चे क्या आंसर करेंगे, पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। फिर हम क्या करेंगे, जो बच्चे ने आंसर किया उसको लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे। अच्छा, तो पेड़ पौधे कहाँ उगाए जाते हैं। तो बच्चे क्या करेंगे कि पेड़ पौधे मिट्टी में उगाए जाते हैं, बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, तब हम मिट्टी लेके फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से। तीसरा क्वेश्चन कि मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो बच्चे क्या बताएंगे, मिट्टी जो है पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाती है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पृथ्वी की सतह की बात हो रही है तो इसको लेके नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे कि भूकंप तथा ज्वालामुखी आदि पृथ्वी के किस हिस्से से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, पृथ्वी इसमें भी आया, ठीक है, कॉमन है, पृथ्वी के किस हिस्से से उत्पन्न होते हैं। तो बच्चे क्या आंसर करेंगे कि पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, तो पृथ्वी के अंदर की संरचना या फिर आंतरिक संरचना के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चे क्या करेंगे, अपनी अपनी ओर से कुछ संभावित आंसर करेंगे और कुछ समय बाद वो मौन हो जाएंगे। जैसे ही बच्चे मौन होंगे उनके लिए समस्यात्मक हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, बच्चों को उद्देश्य कथन करेंगे बच्चों के लिए कि हाँ, आज हम लोग बच्चों भूगोल विषय के अंतर्गत, छात्रों या बच्चों, आज हम लोग भूगोल विषय के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसका नंबर आता है पाठ प्रस्तुतिकरण का। तो प्रस्तुतिकरण के लिए इस तरह से एक टेबल बनाते हैं जिसमें ये 5 कॉलम होते हैं। तो पहला कॉलम है क्रम संख्या का,
दूसरा है शिक्षण बिंदु का, तीसरा है छात्र अध्यापक या फिर छात्र अध्यापिका कथन का होगा, चौथा छात्र कथन और पांचवा है श्यामपट कार्य का। तो हमारा पहला शिक्षण बिंदु है पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या होती है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में तो हम पहले क्या करेंगे, बच्चों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेंगे। अच्छा बच्चों बताओ पेड़ पौधों की जड़ें कहाँ पाई जाती हैं, तो बच्चे क्या आंसर करेंगे, मिट्टी के अंदर पाई जाती हैं। फिर हम अगला क्वेश्चन पूछ लेंगे बच्चों से कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होती है, बच्चे क्या मौन हो जाएंगे, उनके लिए समस्यात्मक हो गया, फिर शिक्षिका स्पष्टीकरण देगी। हमारी पृथ्वी सौर मंडल के 8 ग्रहों में से एक है। उत्पत्ति के समय पृथ्वी गर्म गैसों और धूल के कणों से बनी आग के दहकते हुए गोले के समान थी। करोड़ों वर्ष बाद पृथ्वी का वायुमंडल बना और घनघोर वर्षा के फलस्वरूप पृथ्वी की ऊपरी परत तो ठंडी हो गई, परंतु पृथ्वी आज भी अंदर से गर्म है। ठीक है, उसके बाद बताया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की तुलना प्याज से की जा सकती है। पृथ्वी में भी प्याज की तरह कई परतें होती हैं जो भिन्न भिन्न मोटाई की होती हैं। और क्या बताया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को ज्ञात करने का प्रमुख स्रोत क्या है, उल्कापिंड, ज्वालामुखी तथा भूकंपी तरंगे हैं। इन तीनों से जो तरंगे उत्पन्न होती हैं उसका अध्ययन करके पता लगाइए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी थी। उसको आदि साथ साथ हम श्यामपट पे भी लिख के दिखा देंगे बच्चों को कि वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के लिए भूकंपीय तरंगों, उल्कापिंडों तथा ज्वालामुखी आधारित स्रोतों को आधार बनाया है। उसके बाद इससे रिलेटेड हम बोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे कि पहला प्रश्न पूछ लिया कि उत्पत्ति के समय पृथ्वी कैसी थी, तो बच्चे क्या आंसर करेंगे, आग का गोला थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की तुलना किससे की जा सकती है, तो बच्चे क्या करेंगे आंसर, प्याज से की जा सकती है। ठीक है, तो ये हो गया पहला शिक्षण बिंदु। उसके बाद हम दूसरा शिक्षण बिंदु लेंगे। दूसरा शिक्षण बिंदु है पृथ्वी की विभिन्न परतें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे कि पृथ्वी की ऊपरी परत कैसी है, तो बच्चे क्या आंसर करेंगे कि पृथ्वी की ऊपरी परत कठोर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि पृथ्वी की विभिन्न परतें कौन कौन सी हैं, तो बच्चे क्या है मौन हो जाएंगे, चौक हो जाएंगे, समस्यात्मक हो गया, समस्यात्मक हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, स्पष्टीकरण देंगे। ठीक है, पृथ्वी अंदर से 3 परतों में विभाजित है, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड में विभाजित है। और ये डायग्राम बना के दिखा देंगे कि ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। ये डायग्राम बना के दिखा दिया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का चित्र है, जिसमें जो है ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है जिसको 3 हिस्से में बांटा गया है। तो जो सबसे बाहर का हिस्सा है उसको भूपर्पटी कह रहे हैं, जो कि ग्रीन कलर का है। उसके बाद जो बीच का जो ऑरेंज कलर का हिस्सा है वो मेंटल कहलाता है। ठीक है, 3 हिस्से में बांटा है मेंटल, और तीसरा हिस्सा जो रेड कलर का बना हुआ है वो क्या कहलाता है, क्रोड कहलाता है। ठीक है, तो मेंटल में 2 भाग लिखा हुआ है, ऊपरी और निचला, यानी कि मेंटल 2 हिस्से में बना हुआ है और क्रोड भी 2 हिस्से में बना है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना का चित्र होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा डिटेल बताएंगे बच्चों को कि भूपर्पटी क्या है। तो भूपर्पटी यानी कि अर्थ क्रस्ट। तो इसमें हम लिखेंगे कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं, या पृथ्वी की सबसे पतली परत पतली एवं ठोस परत होती है। भूपर्पटी की मोटाई विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। फिर बताया कि समुद्र की तलहटी का निर्माण करने वाली भूपर्पटी प्रायः 4 से 7 किलोमीटर तक मोटी होती है, जबकि महाद्वीपों में यह 35 किलोमीटर तक मोटी होती है। चट्टानें और मिट्टियाँ इस भूपर्पटी की सबसे ऊपरी परत का निर्माण करती हैं। सिलिका तथा एल्युमिनियम की अधिकता के कारण इस परत को सियॉल भी कहते हैं। सिलिका और एल्युमिनियम है तो सियॉल, सिलिका से SI और एल्युमिनियम से YAL, लेकिन इसे सियॉल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका भूपर्पटी के बारे में हो गया। इधर हमने श्यामपट पे ये डायग्राम बना के दिखा दिया बच्चों को, और साथ ही साथ जो है एक लाइन और बता दिया कि भूपर्पटी की मोटाई कितनी होती है, 0 से 35, कहीं 35 किलोमीटर लिखा है, कहीं 33 किलोमीटर लिखा है, तो उस हिसाब से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है मेंटल का, दूसरा जो है परत। तो मेंटल क्या है, कहाँ किसके नीचे पाई जाएगी, भूपर्पटी के। तो इसमें लिखेंगे भूपर्पटी के नीचे बहुत अधिक मोटी, जो कि लगभग 2900 किलोमीटर गहरी परत पाई जाती है, जिसे मेंटल कहते हैं। मेंटल में चट्टानें पिघली अवस्था में पाई जाती हैं। मेंटल 2 भागों में पाया जाता है, ऊपरी मेंटल तथा निचला मेंटल। मेंटल का ऊपरी 700 किलोमीटर तक का भाग ऊपरी मेंटल तथा शेष भाग निचला मेंटल कहलाता है। और सिलिका मैग्नीशियम पदार्थों की अधिकता के कारण इस परत को हम क्या कहते हैं, सीमा भी कहते हैं। ठीक है, तो किसकी किसकी अधिकता होती है, सिलिका यानी कि SI की और मैग्नीशियम यानी कि MG की, तो इसको हम क्या कह देते हैं, सीमा परत भी कहते हैं। ठीक है, और क्या होता है, इसमें कह रहा है कि भूपर्पटी, इधर श्यामपट पे हमने लिख के दिखा दिया कि भूपर्पटी तथा मेंटल के बीच की सीमा रेखा को
मोहो असांतंत्य कहते हैं। ठीक है, ये सीमा रेखा जो है भूपर्पटी और मेंटल के बीच की है। उसके बाद बता दिया कि मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहा जाता है। भूकंप वगैरह जो आता है, ज्वालामुखी जो फटता है, दुर्बलता मंडल को तोड़ के ही फटता है। ठीक है, उसके बाद और क्या, एक तीसरा बिंदु भी लिख दिया कि क्रोध को। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा शिक्षण बिंदु, दूसरा पॉइंट हो गया मेंटल, और तीसरी परत कौन सी है, क्रोध है। क्रोध को हिंदी में क्रोध लिख रहे हैं लेकिन इंग्लिश में कोर लिखते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, ये पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्रोध कहलाता है। क्रोध परत भी दो भागों में विभाजित है, वाय क्रोध तथा आंतरिक क्रोध, और वाय क्रोध तरल अवस्था में है जबकि आंतरिक क्रोध जो है ठोस अवस्था में होता है। ठीक है, क्रोध भारी धातुओं जैसे कि निकिल लोहे से बना होने के कारण इसे परत को निफे भी कहा जाता है। फॉ कहाँ से, आयरन से आया है, फेरस और निकिल, तो इसको परत को क्या कहा जाता है, निफे भी कहा जाता है। ठीक है, और बता दिया कि क्रोध की गहराई 2900 किलोमीटर से लेकर 6378 किलोमीटर होती है। ठीक है, ये बता दिया कि इसकी गहराई कितनी है। क्रोध के बारे में लिख दिया कि क्रोध को पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा आयरन और निकिल पाया जाता है, इसलिए इसको चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादक भी कहा जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लिया कि पृथ्वी की विभिन्न परतें कौन कौन सी हैं, तो बच्चे बता देंगे कि भूपर्पटी, मेंटल और क्रोध है। फिर दूसरा प्रश्न पूछ लिया कि निफे परत किस में पाई जाती है, तो बच्चे आंसर कर देंगे क्रोध में पाई जाती है। फिर हम ये खत्म हो गया आपका प्रस्तावना। उसके बाद नंबर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न का, तो पुनरावृत्ति प्रश्न में हम क्या करते हैं, बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं जो आपने शिक्षण बिंदु पढ़ाए हैं, उसी शिक्षण बिंदु में से कुछ क्वेश्चन उठा के पूछते हैं, 2 से 4 क्वेश्चन। तो हमने पहला क्वेश्चन पूछ लिया कि पृथ्वी कितने परतों से मिलकर बनी है, तो बच्चे क्या आंसर कर देंगे, ठीक है, नाम बताइए। फिर दूसरा प्रश्न पूछ लिया कि पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। तीसरा प्रश्न पूछ लिया कि सियाल किन पदार्थों से मिलकर बना होता है। और चौथा पूछ लिया कि चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन कौन सी परत करती है। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है श्यामपट सारांश का, तो श्यामपट सारांश में हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि पुनरावृत्ति प्रश्नों के उत्तर को लिखा जाता है। तो पुनरावृत्ति प्रश्न, हमने जो पहला प्रश्न पूछा था पृथ्वी कितने परतों से मिलकर बनी होती है, नाम बताइए, तो उसी का देखिए आंसर लिखा है कि पृथ्वी की विभिन्न परतें क्या हैं, 3 है, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोध। फिर दूसरा हमने पॉइंट पूछ लिया कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है, तो हमने आंसर कर दिया कि भूपर्पटी है जो कि सबसे बाहरी परत है। फिर तीसरा प्रश्न था सियाल क्या है, तो सियाल जो है सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम से मिलकर बना है। फिर चौथा प्रश्न पूछ लिया कि चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन कौन करता है, तो कौन करता है, चौथा प्रश्न का आंसर हो गया क्रोध करता है या चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन करती है, क्योंकि इस परत में निकिल तथा आयरन की अधिकता होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका श्यामपट सारांश, श्यामपट सारांश। ठीक है, ये हो गया आपको पूरा लेसन प्लान। उसके बाद गृह कार्य दे देते हैं बच्चों को, तो इसमें हम लिख देते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़कर आना है। ठीक है, उसके बाद इस तरह से आप देखिए अपने उसमें जो है, जब बच्चों को चार्ट पेपर पढ़ाइएगा तो इस तरह से बच्चों के लिए आप डायग्राम बना के अपने चार्ट पेपर पे बना के बच्चों को दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस तरह से बना हुआ है, और दूसरा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितनी गहराई है, और ये आप नेट से उठा सकते हैं डायग्राम को, अपनी सुविधा के हिसाब से बना लीजिएगा। ठीक है, आपकी बुक में भी बना हुआ है, 7th क्लास की बुक में भी बना है, नेट से भी उठा सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की पाठ योजना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे कमेंट जरूर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय।